द फिजिकल कल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कचहरी क्लब गोरखपुर के नौ निर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन टाउन हॉल स्थित कचहरी क्लब के मैदान में किया गया। इस मौके पर सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, उपाध्यक्ष एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, सचिव सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, एडीएम वित्त व राजस्व विधान जायसवाल के अलावा नौ निर्वाचित पदाधिकारियों में संयुक्त सचिव सुग्रीव कुमार, लेखाकार अशोक गुप्ता, अश्वनी श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष व जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने नौ निर्वाचित पदाधिकारियों को उनके कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाई। तत्पश्चात निर्वाचित पदाधिकारियों ने कचहरी क्लब के विकास की बात कही। इस मौके पर कर्मचारियों के उत्साहवर्धन के लिए डीएम ने एक गीत भी प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में एडीएम सिटी, एडीएम राजस्व, सिटी मजिस्ट्रेट व जिलाधिकारी ने कहा कि अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें, पीड़ित व्यक्तियों के साथ न्याय करें जिससे वो आपकी तारीफ कर सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि कलेक्ट्रेट कर्मियों के स्वास्थ्य सहित अन्य समस्याओं के प्रति वे काफ़ी गंभीर हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कचहरी क्लब के विकास के लिए उनका सहयोग जारी रहेगा। के दिन 1952 में कचहरी क्लब अस्तित्व में आया, यानी कचहरी क्लब की स्थापना हुई। एवं सचिव पद क्रमश नगर और सचिव के लिए नगर मजिस्ट्रेट को पदेन पदाधिकारी बनाया गया। लिपिक संवर्ग से संयुक्त सचिव, लेखाकार, कोषाध्यक्ष, खेल सचिव, ऑडिटर और साथ में 10 कार्यकारी सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जिसे संचालन होता है बहुत अच्छी तरीके से। सौभाग्य है मंच पे हमारे जिलाधिकारी महोदय है। ध्वनि के साथ स्वागत करें, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ, अनुरोध करता ध्वनि से स्वागत करें। और दीप का प्रकाश हर तरह के अंधकार को दूर करता है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। हे दीप ज्योति, आप हम सभी के जीवन को सदैव प्रकाशित करें, हम सभी आपके प्रकाश में अपने जीवन को ले चलें और समाज कल्याण की ओर उन्मुख हों। इसी उद्देश्य के तहत इस दीप का प्रज्वलन गुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा सर्वप्रथम दीप और अपर जिलाधिकारी सभी कर्ता जिनकी आपसे ही अनुरोध कर और इसी तरह से सेवा की का भाव उनके अंदर बना रहे और वो सेवा करते रहे हर ग्रहण होगा। कोषाध्यक्ष श्री विनय कुमार सिंह जी का माल्यार्पण। आपसे ही अनुरोध सर कि करें और राजेश शर्मा जी के बाद का स्वागत करें सर श्री ब्रजेश कुमार जी, आपकी उपस्थिति का भान हो। और श्रीवास्तव जी शपथ देंगे, प्रशांत कुमार, सत्य प्रकाश दुबे जी, ये हमारे कार्यकारी फिजिकल कल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कचहरी क्लब गोरखपुर के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाने जा रहे हैं हमारे यशस्वी जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन जी। बात बताता हूँ वो दोहराइएगा, मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। मैं आपका पदनाम परम पिता परमेश्वर का साक्षी मानकर यहाँ शपथ लेता हूँ, क्योंकि मैं कचहरी फिजिकल कल्चर सोसाइटी लिमिटेड गोरखपुर के प्रति पूरी आस्था एवं निष्ठा रखूँगा तथा मैं क्लब की गोपनीयता को कभी भंग नहीं करूंगा। मैं यहां भी शपथ लेता हूं कि क्लब की हित के प्रति सवेद तत्पर रहूंगा, आगे ईश्वर मेरी मदद करें। जय हिंद जय भारत। इस उद्देश्य में पूर्ण हो यही शुभकामनाएं। कलेक्ट्रेट कचहरी के जो लोग हैं, कलेक्ट्रेट के जो व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, उनका सही सभी दिख जाएंगे। और अखबार में डायट के छात्र हैं और
पे कड़ल में नूर थोड़ी भी नरे यार पे पेड़ पार पे परिवार के बहादुर साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर दिनांक 25/3/19 को कचहरी क्लब का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें आपके आशीर्वाद से संयुक्त सचिव के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। साथियों, आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पूर्ण निष्ठा भाव से कचहरी क्लब के माइलाज और उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन अक्षरशः करूंगा। जैसा कि पूर्व मंत्री और पूर्व अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि ये नई बिल्डिंग पर ऊपर जो बैडमिंटन हॉल और भी कुछ खेल से संबंधित कार्यक्रम कराए जाने चाहिए, उसके लिए अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा कार्यकारिणी से राय करके। अंत में अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगा कि पूर्व की भार कचहरी क्लब में खेल कूद कराया जाए, जिसमें इच्छुक साथी प्रतिभाग कर सके तथा समय समय पर कलेक्ट्रेट के समस्त कर्मचारियों का एवं समस्त अधिकारीगण का स्वास्थ्य का परीक्षण भी इस कचहरी क्लब के माध्यम से कराया जाए, जिससे बीमार होने पर अध्यक्ष महोदय के आदेश एवं अनुमोदन से अहेतुक सहायता या मदद इस कचहरी क्लब के माध्यम से संबंधित कर्मचारी या संबंधित अधिकारी महोदय को किया जा सके। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कचहरी क्लब में मेरा ये 5वीं बार निर्वाचन हुआ है तथा अभी 10 फरवरी को मुरादाबाद में कलेक्टर कर्मचारी संघ का चुनाव हुआ, जिसमें मुझे प्रांतीय अधिकर एवं गोरखपुर मंडल का मंडल अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया। महोदय, जब मैं सर्वप्रथम संयुक्त सचिव के पद पर निर्वाचित होकर के आया तो यहाँ पे देखे तमाम लोगों ने इस फील्ड को कब्जा कर लिया था। मैंने एक बार को समझने बुझने में समय लगा, मैं अनुरोध किया कि साहब, ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है जब क्षतिग्रस्त हो चुकी है, टूट चुकी है, यहाँ कभी भी आ सकता है, कभी भी ये गिर सकता है। जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल कहा पत्रावली बनवाओ और पत्रावली बनवा करके मैंने इस बिल्डिंग को बनवाने का काम किया। एक रजिस्टर्ड संस्था का रूप दिया गया था, उसी समय एक बायलॉज भी बनाया गया था। आज भी ये संस्था अपने कर्तव्यों का पालन करती है। कुछ बातें, कुछ मांगे रखी गई हैं। जिलाधिकारी, सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच इस क्लब के अध्यक्ष महोदय भी बैठे हुए हैं और आपके द्वारा भी जो है सारी बातें सुनी जा रही हैं। मैं आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो भी लोक कल्याण या जो भी जनहित या जो भी लोकहित या जो भी कल्याण की बात है, चाहे हमारे कर्मचारी की बात हो या पब्लिक की बात हो, जिलाधिकारी महोदय सदैव तत्पर रहते हैं और
ऐसा नहीं कि अगर कोई बात जो हित की हो उसमें अगर हम लोग प्रपोजल रखें, सर के निर्देशन में सारा प्रपोजल रखा जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर उसको पूर्ण किया जाएगा, मैं ऐसा नहीं विश्वास करता। कर्मचारी, मीडिया बंधु और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि, सभी का यहाँ पर स्वागत है। 1952 में बनी इस सोसाइटी को हम लोगों को और अच्छा और प्रगतिशील और सहनशील बनाना है, इसके लिए बहुत सी योजनाएं आप लोगों के दिमाग में आ रही होंगी, इसे गंभीरता से विचार किया जाएगा और उसका पालन जो भी संभव होगा जरूर कराया जाएगा फाइनेंसेस को देखते हुए। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से बधाई है कि आप लोगों ने अपनी सदस्यता टीम को चुन लिया है, अब वो नई प्लानिंग करेंगी। मेरा बस छोटा सा अनुरोध है आप लोगों से विषय से हटकर है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। मेरा बहुत अटूट विश्वास है कि प्रदेश में कलेक्टेड कर्मचारियों से ज़्यादा मेहनती, लगनशील, आज्ञाकारी कोई भी किसी भी विभाग का कर्मचारी नहीं है। इसे अन्यथा जितनी निष्ठा मेहनत से शासन की सूचनाएं और जिलाधिकारी महोदय का आप सहयोग करते हैं, सभी पदाधिकारियों का सहयोग करते हैं, ये क्षमता किसी अन्य विभाग में और ये लगन किसी अन्य विभाग में मुझे देखने को नहीं मिली। तो मैं आप सभी लोगों का आदर करता हूं और अपने संपर्क के जितने भी आपके कलेक्ट्रेट संपर्क के कर्मचारी हैं उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए इस कचहरी क्लब के माध्यम से जो भी संभव होगा हम लोग उस पर विचार करके उसको आगे बढ़ाए। मैं उन सभी चुने हुए पदाधिकारियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में जिन जिन पदों पर उनका निर्वाचन हुआ है, चुने गए हैं, उन पदों को निष्ठा के साथ अपने आप को, अपने निर्वाचन को साबित करने में सफल आए हैं। कचहरी क्लब में मैं शायद पिछले साल जब बाई इलेक्शन हुआ था मैं यहाँ पे था, जब सेंट्रल मिनिस्टर जोनल मिनिस्टर के लिए वाहनों का मूवमेंट हो रहा था शायद उसी समय मैं आया था, बाकी मैं अंदर से मैं कभी आया नहीं तो, लेकिन काफ़ी बड़ा है अंदर से और हम लोग बाहर से देखते रहते हैं और विभिन्न ऐसे प्रतिष्ठानों को जिनको शहर में अन्य जगह नहीं मिलती उनको यहाँ पे जगह देके उनको मौका दिया जाता है, उससे हमारे गोरखपुर के लोग, गोरखपुर की जनता लाभान्वित होती है। आज का जो माहौल है आप देख रहे हैं, स्टाफ लगभग तो मान लीजिए 15-20 साल से नया भर्ती तो हो ही नहीं रहा है कलेक्ट्रेट में, तो कम से कम 4-5 पटल दे और आपको ऊपर इतने बोझ है ताकि जो जो डिमांड अर्जेंटली होता है जो भी चीज़ है जो कलेक्ट्रेट होते हैं एक तरफ से खेला जाता है तो कटिंग एज मशीनरी यानी जो सबसे एफिशिएंट जो ऑफिस होता है ताकि यहाँ तो 200-300 और दफ्तर होते हैं जनपद में, तो सबका नोडल दफ्तर होता है कलेक्ट्री, उसी पे ही सारे विकास का शुरुआत होता है, लैंड ऑर्डर हो जो भी मसला हो यहाँ से हाल होता है, यहाँ से शुरुआत होती है, ऐसे बहुत नोडल पॉइंट है। बट हम लोग का तो पहले तो 400-500 संख्या में थे, अब धीरे धीरे कट करके तो कुछ 100-150 के संख्या में है। मैं जानता हूँ हर जो हमारा कर्मचारी के ऊपर इतने बोझ है, फिर भी आपको धन्यवाद देता हूँ, एक एक व्यक्ति अपने समय का अंदर अपने काम डिस्चार्ज करते हैं। वैसे तो मेरा पहले के वक्त ने बताया कलेक्ट्रेट स्टाफ का बराबर कोई है ही नहीं जी, और ये इसको गर्व होना चाहिए था, पर साथ साथ ये हम लोग भी ध्यान में रखना होता है पहले जो हम लोग का जो स्टेटस होता है ऐसे सरकारी कर्मचारी और अभी का जो जनता का नज़र में क्या है इसको भी हम लोग को जरूर ध्यान में रखना होता है। आपको बच्चे से पूछेंगे तो बता देंगे, पहले जो हम लोग का तो कमांड होता था एक रिस्पेक्ट के, यानी जो हम लोग का जो मर्यादा मिलता है वो है, कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह थोड़ा धीरे धीरे कम होती जा रही है, हो सकता है ये हम लोग का ऑफिस का जो उनके कर्मचारी का जो उनका आचरण से ही होता है, कहीं ना कहीं हम लोग उस पर पढ़ रहा हूँ उसका एक बार पुनर्विचार भी करना होता है। ताकि हम लोग 1951 के बाद तब भारत ने बोल दी इसको ओपन इकोनॉमी में, सब लोग एक तरफ से पैसा के पीछे दौड़ पड़े, अब वो सरकारी कर्मचारी तो अब सरकारी कर्मचारी बनने के लिए जो ऐसे लोग ही तैयार है कुछ लोग
चलिए तो ठीक है आए तो फिर उनका स्रोत और कुछ चीज़ में होता है, वो जो अच्छे लड़के जो भी हैं तो अच्छा पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर निकल जाते हैं, जो बचते हैं तो वही सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं। कहीं ना कहीं वो सिस्टम में बदलाव है और उसमें बाहर वातावरण में बदलाव है, उसी के हिसाब से हम लोग हमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड मैं बस सर चेयरमैन इस सोसाइटी का मैं बताने चाहता हूँ, यह जो हम लोग के सामने बहुत चुनाव किया है आप जानते हैं, इसी जगह पे सब लोग का नजर रहता है, इसी पे तो मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए तो बिल्कुल प्रोपोजल हो गया था, फिर मैंने तो फिर उसको खारिज करके भेज दिया उसको, तो फिर बोल देने में मजबूर नजर में आता है, कोई भी गुजरता है कहता है ये पार्किंग बन सकता है, ये वो बन सकता है, ये बन सकता है, हम लोग तो बार बार उसको नकाराते हुए तो खत्म करते हैं, ताकि इसका मकसद अलग है, इसका मकसद उन्हीं मकसद है, उसी का मकसद का हम लोग का हमेशा कायम रखना है, जारी रखना है, आगे भी उसको बढ़ते जाना है। बट हम लोग को भी सोसाइटी के सामने जस्टिफाई कराना होता है, मेरा सामने जो कितने वक्तगण ने अपने बात रखे हैं, देखिए जो भी व्यक्ति आपसे छोड़ के मतलब अंदर पे छोड़ के तो दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचता है वही तो महात्मा व्यक्ति कहते हैं, ऐसे ही भवन भी होना चाहिए था, ऐसे विभाग भी होना चाहिए था, हम लोग समूह के प्रति में क्या करना है और भी क्या बढ़ाना है उसी के विचार में हम लोग और बढ़ाना होता है, ताकि हम लोग को जो ये अस्तित्व का जो चैलेंज करते हैं उन लोग ये क्यों इन लोग क्या है, कलेक्टर स्टाफ का क्या है, तो इन लोग का क्यों बेवजह से इन लोग क्या है, अलग क्या है, अलग कराना पड़ता है हम लोग को, अलग कराने के लिए जो सोसाइटी में जो और हम लोग का प्रेजेंस है उसको हम लोग साबित कराना होता है, भाई हम लोग केवल बाबू नहीं है, हम लोग और कुछ चीज़ है सोसाइटी में, हम लोग का भी कर्तव्य होता है उसका आदर्श के रूप से हम लोग भी पेश आ सकते हैं। ये तनाव में तो 40 साल के बाद अनेक बीमारी तो लोग का आ जाता है, खासतौर पर शुगर, बीपी, डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड इशू, सारे चीज, मैं तो जरूर इसको प्रस्ताव कर दूंगा, एक अच्छा जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन से टाइप कर देते हैं, हर साल सबको पूरा बॉडी फुल बॉडी चेकअप होता है। देखिए बीमारी आने के बाद बचाना बहुत मुश्किल है, बट बीमारी आने से बचा सकते हैं, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं, किसी का आप मान लीजिए तो 40 साल में सर्वे मतलब पूरा एग्जामिनेशन हो जाता है, पता चल जाता है इनके 5 साल 2 साल में शुगर होने वाली है, बीपी होने वाली है, नहीं तो हार्ट में कोई ब्लॉकेज होने वाली है, तो उस पर एको है, आजकल के इतने डिवाइस आ गया है, हम तो बीमारी आने के बाद तो फिर ऑपरेशन इत्यादि तो इलाज में चले जाते हैं, तो बीमारी से बचा रखने के लिए क्या तरीका है वो हम लोग के पास है, उसको मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 40 साल के बाद जो कितने भी हमारा कर्मचारी है भले फोर्थ क्लास से लेके जो भले ऊपर लेवल का ऑफिसर, तो सबका अच्छा से एग्जामिनेशन हो जाए वो हम लोग कचहरी क्लब से होता है, तो निवेदन करता हूँ हर महीने ऐसे कुछ कार्यक्रम करेंगे समूह के लिए, सोशल टॉपिक लेकर के, यहाँ जो रक्तदान देना हो और जो भी विचार हो जो सोसाइटी संबंधित, हम सोसाइटी के लिए क्या देने वाले, समूह के लिए क्या देने वाले, ये आप भी विचार लेके आइएगा, जरूर हम लोग का अस्तित्व का हम लोग स्थापित कराना भी होगा, और ये निश्चिंत रहिए ये इंस्टीट्यूशन और बेहतर होगा, इससे बेहतर बना करके इससे और सुविधाएं बढ़ाएंगे, और आप लोग के जो मन में जो कितने हैं आर्थिक संकट है उसका भी हम रास्ता निकाल देंगे, कोई आप लोग का जो कहीं लोन के जरिए से कुछ जरिए से ये जो इस पर हम लोग का कार्पस है उस पर कैसे आपको सहयोग कर सकते हैं, जरूर उसको भी विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। बट मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, देखिए जो आज के जमाना में हम लोग का जो रिस्पेक्ट का कमांड करना पड़ता है, यानी जो हम लोग का मर्यादा हम लोग का भाषा वातावरण से हम लोग का आचरण से होता है, जो कितने लोग आते हैं हम लोग के मिलने के लिए मिलने के लिए जो भी किसी काम लेके आते हैं उसे हम लोग प्यार से उनका काम करा के दें, ताकि जो जाने वाले व्यक्ति तो अच्छा नाम लेके जाता है वही तो करता है, संकेत आ गया तो मेरा काम हो गया, भाई अच्छा काम किए तो इंसान अच्छा है, वही तो प्रति तो रिफ्लेक्ट होता है कलेक्टर को ऊपर, कलेक्टर को ऊपर, जिला को ऊपर, ये मैं चाहता हूँ ये इसको जारी रखें हमेशा, और ये जो हम लोग का जो संगठन है इसको समय समय पे आप मीटिंग भी बुला लीजिए और विचार विमर्श भी करिएगा, अच्छा बेहतर बनाने के लिए जो भी है आपका विचार है आप लेके आइए, जरूर हम लोग विचार करते हुए इसके आगे बढ़ेंगे, बाकी जो कितने चुने हुए जो पदाधिकारीगण आपको शुभकामनाएं मेरे तरफ से, और बेहतर करिए, सभी लोग साथ मिलकर के बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। जय हिंद।